सुबह इतने काम होते हैं कि अगर आपको झटपट नाश्ता बनाना है तो ये पोहा की रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पोहा बनकर तैयार होता है। पोहा बनाने के लिए मैंने 1 कप मोटे वाले पोहे लिए हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मोटा पोहा आता है, इसे ही लेना है, बारीक वाला ना लें। पोहे को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और पोहे में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो इसमें हल्का सा जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला था नमक। नमक डालने के बाद 1 चम्मच शुगर डाली है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। शुगर डालना इसमें ज़रूरी है क्योंकि ये पोहा खट्टा मीठा तीखा बनकर तैयार होता है। अब हम इसकी तड़के की तैयारी करते हैं। तो एक मैंने यहाँ छोटी प्याज ली है, 2 हरी मिर्च, 1 आलू और थोड़े से करी पत्ते, 2 चम्मच यहाँ पर मैंने मूँगफली लिया है और 1 नींबू लिया है। पैन में हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे राई का तड़का। इसके बाद मैं डालूँगी मूँगफली के दाने। जब ये अच्छी तरीके से चटकने लगे कुछ इस तरीके से, तब हम इसमें प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ता डाल देंगे। ध्यान रहे कि मूंगफली के दानों को स्टार्टिंग में ही डालना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। प्याज जब थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए तब हम इसमें बारीक कटे हुए आलू को डालेंगे और इसे ढककर 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। इस तरीके से करने से आलू तो सॉफ्ट हो ही जाता है और प्याज भी हमारी जलती नहीं है। देखिए आलू पक चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पोहे को। पोहे ने भी अच्छी तरीके से मसालों को एब्जॉर्ब कर लिया है। इस तरीके से पोहा बनाने पर पोहे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हल्के हाथ से पोहे को तड़के में मिक्स करना है, इससे पोहा टूटता भी नहीं है और अच्छी तरीके से मसाले मिक्स हो जाते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद पोहे का कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पोहा हमारा लगभग रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। अब इसे भी पोहे में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड में आप इसे हरी धनिया के साथ गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं थी तो फिलहाल मैं इसे ऐसे ही खाने वाली हूँ। आपको ये पोहे की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।